हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, एक इलेक्ट्रिकल पैनल है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे सिंगल फेस प्रिवेंटर जो डिजिटल मोड में रहती है, उसका हम यानी ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज कैसे सेट करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में देखते रहिए और मैं आपको दिखा। तो ये हमारा एक स्टार डेल्टा पैनल है। इसमें हमने कंट्रोल के लिए एक अंडर वोल्टेज रिले लगाई है, जिसका नाम है 900 BPR। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट इसकी सेटिंग में प्रोग्राम में जाने के लिए हमें ये अप एंड डाउन के जो बटन है दो, उनको प्रेस करना पड़ेगा 4 से 5 सेकंड के लिए। दोनों को एक साथ प्रेस कर देता हूँ मैं। देखिए, प्रेस कर दिए मैंने। अब देखिए, इसके प्रोग्राम में हम लोग एंटर कर दिए। अब उसका प्रोग्राम में यानी 3 फेज, ये 3 फेज से रीसेट के साथ, यानी रीसेट दबाने के बाद मैं इसको दबा दूंगा। ये 4 फेज, यानी 4 फेज में हमें सेट करना है कि 3 फेज में, यानी 3 फेज में, 3 फेज में रहने देना उसको। अब अप बटन दबा के मैं आगे बढ़ूँगा। अप बटन दबा कर देखिए, RL बन रिले, यानी रिले बना है जिसमें ओवर वोल्टेज आ गया। अभी वो भी ओवर वोल्टेज ऑन है, यानी ओवर वोल्टेज की सेटिंग में देखता हूँ कितने पे, 440। अब इसको रीसेट के साथ अगर मैं अप करूँगा यानी, तो ये बढ़ेगा, और ये रीसेट के साथ डाउन दबाऊंगा तब ये घटेगा। यानी मुझे जितने पे करनी है वो कर सकता हूँ मैं। ये 440 पे रहता है ओवर वोल्टेज। नेक्स्ट छोड़ूंगा मैं, अंडर वोल्टेज दिखता हूँ मैं। अंडर वोल्टेज ऑन है, यहाँ से रीसेट करके मैं इस रीसेट के साथ अब दबा के इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। अभी ऑन करना है, देखिए ऑन है। 5 पॉइंट की सेटिंग रहती है, 5.0 ओवर वोल्टेज, यानी 5 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाएगा। 370 है देखिए दोस्तों, 370 से अगर ये नीचे जाएगा तो ये तुरंत कंट्रोल कट कर देगा, यानी ओवर वोल्टेज का जो कट कर देगा। आगे चले जाएंगे, ऑफ में अंडर वोल्टेज फ्रिक्वेंसी ऑफ है, ऑफ रहनी चाहिए। ये 5 रिले है, ये फेस फ्रिक्वेंसी है, ऑन है तो ऑन रहना चाहिए। पावर फैक्टर है, ऑन है। LCH टाइमिंग है, वो ऑफ रहनी चाहिए। रिले बन, यानी रिले बन में सेटिंग रहती है हमारी ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज। अभी हम कितने सेकंड में ये ट्रिप करेगा वो जानने के लिए, जब RL बना जाएगा हमारा डिस्प्ले में, तब हम रीसेट बटन दबाएंगे और अप वाला दबाएंगे, फिर देखेंगे। ये नहीं, RL2 भी आ चुका, देखो RL2 RL2 ये सॉरी, ये हमारा क्या है, ट्री रीसेट के लिए। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। RL बन रिले है, मैं अप बटन दबाऊँगा, RL2 आ जाएगी। सॉरी, एक बार बैक करूँगा, RL बन रहने देंगे। अब RL बन के साथ अब देखिए, RL बन पे ही रहने दूंगा इसको, बस ये ना इसका ये इमरजेंसी प्रोग्राम में आ गए। इसकी सेटिंग यानी पॉइंट 5 सेकंड में ये ट्रिप कर जाएगा हमारा। जैसे अगर हमारा ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज रहेगा तो 0.5 सेकंड के अंदर ये ट्रिप कर जाएगा। ये पावर फैक्टर ऑन है, EML है, इसका कोई काम नहीं रहता। फ्रिक्वेंसी यानी रिक्वेस्ट टाइम 0.5। अब मैं इन दोनों बटन को साथ में दबा दूंगा, प्रेस कर दूंगा, अब वापस मैं वहीं आ जाऊँगा जहाँ था। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी सेटिंग रहती है। आपने देखा होगा किस तरह से मैंने 900 यानी 900 BPR की जो सेटिंग की है वो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।